अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल मुनाफिकीन अलामात यअरफून बिहा, फरमा बेशक कुछ अलामता ने जिन्हां दी वजह तो मुनाफक पहचाने जाते हैं, कुछ अलामत ऐसी ने जिन्हां दी वजह तो मुनाफक पहचाने जाते हैं। पहली अलामत फरमाया तहय्यतुहुम लअना, फरमाया इन्हां दा सलाम करना लानत हुंदा है। की मतलब, कुछ बंदे ऐसे ने मुआशरे दे अंदर जिहड़े मिलदे ने ते मिलदे ही ऐसा बोल बोलदे ने कि अगला आंदा यार किथे मैं इहदे मत्थे लग गया, समझ रहे हो? होंदे ने ना कुछ बंदे, बल्कि कुछ बंदे ते मुआशरे दे अंदर ऐसे ने दिल करदा है कि इन्हां तो रुख दूसरी साइड ते फेर के गुजरिया जाए। ऐसे बदतरीन मखलूक दे अंदर इंसान होंदे ने लोगों की दिल आजारी करने वाले। यानी वह शख्स मुनाफक की पहली अलामत यह आकर इस्लाम ने इस हदीस के अंदर इरशाद फरमाई कि जिसनों जदों मिलोगे तो तुहाडे दिल को चीर के रख देगा, ऐसी जुबान बोलेगा कि जिस नाल दिल टुट जाएंगे। दूसरा फरमाया व तआमुहुम लुहबा, फरमाया जिहड़ा इहदा खाना होएगा ना वो लुट मारदा होएगा, लोगों के हकूक ते डाके डाल के गरीब यतीम भतीजे भतीजियां दी जायदादां ते कब्जा करके और उन्होंने गुरबत की चक्की के अंदर पीस के उन्होंने जुल्म ढा के लोगों के गरीबों मजदूरों के हकूक नू गसब करके माल इकट्ठा कर रहा होएगा और इससे खुशी और फख्र महसूस करेगा, खुद भी खाएगा अपनी औलाद नू भी खिलाएगा। फरमाया ये दूसरी अलामत है मुनाफक दी, लुट मार नू खुशी खुशी हासिल करेगा। दूसरा फरमाया व गनीमतुहुम हुलूल, और अमानत दे पैसे नू, यानी किसी ने अमानत रखी तो अमानत दे पैसे नू खा के फिर भी खुश होएगा, कोई इस दे दिल ते नहीं गुजरेगी कि यार फलां बंदे ने बतौर अमानत मेरे को रखी सी, पैसा मेरा तो नहीं, उसनू माल गनीमत समझेगा कि मेरा माल गनीमत दे अंदर मैनू आया है। तीसरी अलामत। और चौथी फरमाया वला यकरबून अल मसाजिद इल्ला हुजरा, फरमाया जो मस्जिद वाल आएगा ना तो बस दिली दे नाल आएगा, खुश होके नहीं आएगा, मजबूर होके जिवें पता नहीं को पकड़ के नहीं लेके आ रहा, पकड़ के जिस तरह को जिस तरह बच्चा छोटा होवे ते स्कूल दे अंदर ना जा रहा होवे, जाहिर है उसका दिल नहीं, ते माँ बाप की करते हैं पकड़ के रोंदे नू चुक के मस्जिद अपना स्कूल दे अंदर छोड़ के आते हैं, हालांकि उसका दिल नहीं, बद दिली दे नाल जा रहे। इस तरह फरमाया वला यकरबून अल मसाजिद इल्ला हुजरा, मुनाफक की चौथी अलामत है जो मस्जिद वाल आएगा तो बददिली दे नाल आएगा, खुश होके नहीं आएगा, मजबूर होके जिवें पता नहीं किस मजबूरी की वजह तो मस्जिद के अंदर आ रहे। और फरमाया वला यातून सलात इल्ला दबरा, पंजवीं अलामत फरमाया नमाज पढ़ेगा लेकिन वक्त गुजार के, मुअज्जिन ने अजान दिती, सदाए अजान करना च पई लेकिन उसके बावजूद इग्नोर कर देता, कोई अहमियत न दी थी, तो फिर मैं वक्त गुजार के पड़ेगा, पंजवीं अलामत। और छठे नंबर पर आकर इस्लाम ने फरमाया मुस्तकबिरीन, छठी अलामत ये होगी तकब्बुर करेगा। माल दौलत अल्लाह ने अता किया है, वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, मुल्कां दी हुक्मरानी भी अल्लाह ता करदा है और बादशाही नू छीनण वाला भी अल्लाह है, लेकिन ए ऐसा मुतकब्बर इंसान है, अल्लाह ने इसनू दौलत दिती, जायदाद दिती, रकबा दिता, पिंड दे अंदर किसी नू वसी दे दिता, किसी नू इलाके दे अंदर ज्यादा दौलत अता कर दिती, ए हुण लोगां दे सामने तकब्बुर ते विड़ियाई करदा फिरदा है, किसी ने मुसाफा करदा है ते वह भी अचार पोटे ला के बड़ा उस ते एहसान जतांदा है। फरमाया छठी अलामत है मुस्तकबिरीन, मुनाफक की छठी अलामत है कि वह तकब्बुर करेगा, वड्याई करेगा। अल्लाह सानू ऐसी लानत तो महफूज रखे। और फिर फरमाया ला यअलफून वला युअलफून, फरमाया ना ते वो किस नाल मुहब्बत करदा है मुनाफक बंदा, क्योंकि उन्हों मकसद नाल गर्ज हुंदा है, ना ते वो किस नाल मुहब्बत करदा है ते ना कोई उहदे नाल टिड्डो मुहब्बत फिर करदा है। जिहड़ा बंदा लालची होए ना ते लोग जदों वो किसे दे नाल लालच दे नतीज लालच वास्ते मुहब्बत करता है, गर्ज वास्ते मकसद वास्ते मुहब्बत करता है, तो अगले बेवकूफ तो नहीं ना होंगे, वह भी समझते हैं कि साढ़े ना लालच वास्ते मुहब्बत कर रहे हैं, फिर वह भी कलबी मुहब्बत कर दे, यानी ना तो इसनों किसी नाल कलबी मुहब्बत होंगी, तो इसके करतूत ऐसे होंगे कि किसी और भी इस कलबी तअल्लुक होंगे,
और फिर ऐसे मुनाफिकीन उस वक्त इन्हों का हाल देखने वाला होंगे जो तो बुरा वक्त आता है तो फिर दर दर से जाते हैं, वो कहते हैं तू साडे नाल लालच के अंदर आके ए साडे कोलों काम ले, साडे नाल मुहब्बत तू खास मुहब्बत ने की, साडे नाल खलूस नाल ना पेश आया, फिर जो दर दर तो ठोकरा मिल दी ने तो उसको एहसास होंगे काश मैं उदो दिल के मुसलमान भाइयों मुहब्बत की। आखिर इस्लाम ने अगे फरमाया फरमाया खुशबन बिल्लैल, फरमाया जो रात को सौंदा है ना तो जिम्मे बेजान मकड़ी नहीं पई होंगी, बेजान मकड़ी जान उन्हें की करो, इधरों चुको उधर छिड़ दो उधरों पढ़ो इधर छिड़ दो, उन्हें खबर ही कोई नहीं, मुअज्जिन सदाए अजान बुलंद कर दे खबर ही कोई नहीं बेजान होके पे है। आका अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया फरमाया सुखबो बिन नहार, रात को इंज होंगे जिम्मे बेजान मकड़ी पई है, इस जान ही कोई नहीं, सह सोखी कोई नहीं, ये उठा उठा के मर जाते हैं लेकिन उठता नहीं, सुखबो सुखबुन बिन नहार, जो सुबह उठता है राती तो इंज महसूस होंगे जसा ही कोई नहीं, जो तो सवेरे मुनाफक उठता है तो की करता है चिल्लांदा है शोर मचांदा है किसदा लोगों नू जलील करदा है तंग करदा है परेशान करदा है गालम गलोच करेगा लोगों की इज्जत नफ्स नू मजरूह करेगा, यानी यह रात नू बेजान होकर इस वास्ते पैंदा है कि सुबह नमाज फजर वास्ते कि उठना ना पै जाए, लेकिन जब सुबह होंगी तो इंज लगता है राती है की तो हूँ की हो गया, राती तो इंज महसूस होंगे जिस तरह जान भी इसके अंदर कोई नहीं, तो सुबह उठता है शोर करता है चीखता है चिल्लांदा है, तो आका ने मुहम्मद सल्लम के गुलामों दुआ करो अल्लाह ताला ए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो मुनाफिकां दी अलामतां बयान फरमाइया ने अगर खुदा ना खास्ता गलती की बिना से किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है अल्लाह करीम महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे सदके उसको दूर फरमा दे, अल्लाह ताला मुनाफिकत तो दूर फरमा दे। याद रखना काफिर नालों भी ज्यादा सख्त सजा क्यामत वाले दिन मुनाफिक नूं दिती जाएगी, काफिर नालों भी ज्यादा सख्त सजा, क्यों मुनाफिक काफिर तो खुल के कहंदा ना भाई मैं काफिर, एलानिया कहंदा मुनाफिक होंदा जिहड़ा जाहिरन कुछ होंदा बातिनन कुछ होंदा, जाहिर तो कुछ है अंदर कुछ है, इंसान होइए जिहदा चेहरा और दिल एक जैसे हो, जो उसकी जुबान से होए वही उसके दिल के अंदर होए। अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर दुआ है अल्लाह ताला महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके मैनू तुहानू हिदायत काबिला नसीब फरमाए।